नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। दिल्ली के रण में सीएम भजनलाल शर्मा, बांसुरी स्वराज के समर्थन में की जनसभा। नई दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण का मतदान संपन्न। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले गए वोट। शाम 5 बजे तक 56% से ज्यादा वोटिंग। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के भाग्य का भी होगा फैसला। पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। ओडिशा के पुरी में किया रोड शो। अंगुल और कटक में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी का मिशन बंगाल। झाड़ग्राम की चुनावी रैली में फिर साधा ममता बनर्जी पर निशाना। कहा टीएमसी से बंगाल की पहचान को भी खतरा। किर्गिस्तान में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सीएम भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त किया है। कहा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही सरकार। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआईएस के 4 आतंकी किए गिरफ्तार। चारों आतंकी बताए जा रहे श्रीलंकाई नागरिक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भीषण सड़क हादसा। मजदूरों से भरी पिकअप 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी। 15 मजदूरों की मौत, 7 घायल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित। विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम जारी। बेटियों ने फिर मारी बाजी। जयपुर के बिंदायका में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कला और विज्ञान वर्ग में मेरिट अंक प्राप्त करने पर संस्था निदेशक ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अलवर के राजगढ़ में फाइनेंस कंपनी के रिलेशन अधिकारी ने कार्यालय में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एफएसएल की टीम। घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। सीतापुरा के जेईसीसी में बम रखने की धमकी निकली। मॉक ड्रिल, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने की मॉनिटरिंग। शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान। जयपुर में मिलावटी मसालों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। जयपुर के वीकेआई में दिया गया कार्रवाई को अंजाम। सादरपुर में बिजली कटौती और ज्यादा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर वार्ड 38, 39, 40 के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कहा कि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में 500 से ज्यादा लोगों ने निकाली प्रभात फेरी। लक्ष्मीनाथ महाराज के 494 विराट महोत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में यूपीएससी टॉपर 5 छात्रों ने की शिरकत। टॉपर्स का युवाओं ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। यूपीएससी में टॉप करने वाले छात्रों ने तैयारी कर रहे युवाओं को दिए अपने सफलता के टिप्स। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के रिक्त पद भरने की मांग है। पूर्व पार्षद अमरचंद सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रतनगढ़ से चुरू कलेक्टर कार्यालय पर पैदल पहुंचा ग्रामीणों का जत्था। चुरू के राजगढ़ की बेटी अंशिका पूनिया 99.20 अंकों के साथ टॉपर बनी है। 12वीं कला वर्ग में 99.20% अंक प्राप्त उसने किए हैं। राजगढ़ के निजी स्कूल की छात्रा है अंशिका पूनिया। आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। खेतड़ी की कोलिहान खदान में हादसे का मामला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी पहुंचे खेतड़ी। कोलिहान खदान का सीएमडी ने क्या निरीक्षण। कहा माइंस हादसे की बारीकी से की जाएगी जांच। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा श्याम के दर्शन। बाबा श्याम को खीर चूरमे का लगाया गया भोग। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा। जोधपुर के फैशन डिजाइन विभाग की मुस्कान पटेल और माधुरी सुरासे ने किया नाम रोशन। इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 में मुस्कान पटेल ने गोल्ड और माधुरी सुरासे को मिला ब्रॉन्ज मेडल। बाड़मेर के कल्याणपुर में नगर परिषद की विवादित जमीन का मामला। कब्जा करने पहुंचे पक्ष का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर परिषद की टीम ने काम को रुकवाकर दस्तावेज की जांच की। जैसलमेर में लाठी के भादरिया गांव में श्वानों द्वारा चिंकारों का शिकार करने का सिलसिला जारी है। आवारा श्वानों ने हमला कर चिंकारे को उतारा मौत के घाट। पशु कुंड पर प्यास बुझाने आया था चिंकारा।
जैसलमेर में पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के परिंडे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं ने ओरण क्षेत्र में पक्षियों के लिए 120 परिंडे लगाए। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 11 हथियार, 20 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। पाली के फालना पुलिस थाना क्षेत्र के शनि महाराज मंदिर गली में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के कारण 3 पशुओं की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के जंगल की झाड़ियों में शव मिला है। कई दिनों पुराना बताया जा रहा है शव। सूचना पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पाली के देसूरी में सुमेरपुर माडपुर वन क्षेत्र कोकड़ में करीब आधा दर्जन मोर मृत मिले हैं। चरवाहों को देखकर शिकारी मौके से फरार हुए। वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मृत मोरों को कब्जे में लिया, शिकारियों की तलाश शुरू की। पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 के पास मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सिरोही में भीषण गर्मी का सितम, अधिकतम तापमान पहुंचा 41 डिग्री के पास। सड़क और बाजार में पसरा सन्नाटा। सिरोही में स्वामी दयानंद महर्षि की 200वीं जयंती, माउंट आबू के पोलो ग्राउंड से निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे शामिल हुए। माउंट आबू में जगह जगह हुआ शोभा यात्रा का स्वागत। श्रीगंगानगर में विद्युत विभाग के सीसी हेड सब स्टेशन में लगी आग, धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड, आग बुझाने का प्रयास किया गया। श्रीगंगानगर में जैतसर के 8 BGD गांव में जिला लोकपाल अनिल धानुका ने पंचायत कार्यालय में की बुजुर्ग परिवादी की सुनवाई। परिवादी बुजुर्ग होने की वजह से जिला स्तरीय जन सुनवाई में नहीं हो पाया था शामिल। हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने का आरोप। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्कूलों को बंद करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नागौर के बलिया गांव के रहने वाले विजेंद्र शर्मा का नाक काटने का मामला परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लाडनू रेलवे स्टेशन पर गौ सेवक टीम की सेवा बेमिसाल है। भीषण गर्मी में गौ सेवा की टीम यात्रियों को ठंडा जल पिला रही है। ब्यावर में मसूदा थाना क्षेत्र के केरिया गांव में ईंट भट्टा मालिक फरार। भट्टे पर कार्यरत मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हुई है। मजदूरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग की है। ब्यावर के श्री राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा के सामने नियमित साफ सफाई के अभाव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई की मांग को लेकर रामद्वारा के भक्तजनों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। 25 मई को दिल्ली में होने वाले मतदान के लिए ब्यावर जिले के 200 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। सभी 200 होमगार्ड्स बसों के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लाडू में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप। हादसे में महिलाओं सहित दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में विनायक फैक्ट्री में फटा सिलेंडर। फैक्ट्री में काम करने वाले 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल झुलसे। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद JLN अस्पताल में रेफर किया गया। निडवाना में कोलिया गांव के पास 2 बाइक की हुई आपस में भिड़ंत। हादसे में एक महिला सहित 3 युवक घायल हुए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया गया जिला अस्पताल। पुलिस कर रही मामले की जांच। नागौर जिले की पादुकला थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी दुकान पर बेचता था डोडा पोस्त। कुचामन सिटी में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान शुरू। सचल जागरूकता वैन विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर महिलाओं को जागरूक करेगी।
मुंडवा में 12वीं साइंस वर्ग का परिणाम शानदार रहा है। अजेश काला ने 97.80%, प्रतिभा टेलर ने 96.80% अंक प्राप्त कर परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। आर्ट्स में आरती सेन ने 97.20% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। नयाबड़ी में ब्राह्मण समाज भवन में सर्व ब्राह्मण समाज बंधु संगठन की बैठक हुई। सर्वसम्मति से एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो वहीं उपाध्यक्ष सीताराम पाराशर, महामंत्री आशीष राजपुरोहित को बनाया गया। लाडू में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 888 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। आरोपी नेमाराम को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी नेमाराम से पूछताछ में जुटी है। टोंक के पीपलू में 12वीं में श्रेयांशी ने विज्ञान वर्ग में 99.60 नंबर हासिल किए हैं। अंग्रेजी, फिजिक्स, गणित में 100-100 अंक उसने प्राप्त किए हैं। हिंदी और केमिस्ट्री में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं अंक ये प्राप्त श्रेयांशी ने किए हैं। श्रेयांशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। अजमेर में 12वीं कक्षा के कला विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम जारी हुआ है। कला वर्ग में 96.88% रहा परिणाम। विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग का 98.95% रहा है परिणाम। कोटा में रवि सिंह हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज सड़कों पर उतरा है। प्रदर्शनकारियों ने सर्किट हाउस गेट के से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। मृतक के परिजनों को मुआवजा और पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ बड़ा एक्शन। कोटा के अनंतपुरा में अवैध कब्जा किया ध्वस्त करीब 15 बीघा इलाके पर वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया था फार्म हाउस। भवानी मंडी के पच पहाड़ के में नीलकंठ मुक्तिधाम समिति ने मुक्तिधाम की बंजर जमीन को हरे भरे पार्क में विकसित किया है। वहीं भामाशाहों ने मुक्तिधाम में महादेव की प्रतिमा रखवाई है। सांसद विधायक कोष से भी कई काम हुए हैं। बारा की छीपाबड़ौद में आखा खेड़ी बालाजी मंदिर में हुई डकैती को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। नाराज ग्रामीणों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मामले का जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। झालावाड़ के पड़ावा में 12वीं कक्षा कला वर्ग की छात्रा मितांशी जैन ने नाम रोशन किया है। मितांशी जैन ने परीक्षा परिणाम में 95.80% अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा की सफलता से परिवार में काफी खुशी है। बाड़मेर की चौहटन पुलिस अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सरहद गांव में दबिश देकर दो तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार एवं देशी शराब भी बरामद की है। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के मरायता गांव में चोरों ने मकान में धावा बोल दिया। अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बारा में छबड़ा के गुगोर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा है ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रॉली सवार करीब 1 दर्जन घायल हो गए लोग। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। झालावाड़ में भीषण गर्मी से परेशान लोग हैं। पारा 46 डिग्री के आसपास है। गर्मी की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं लोग। झालावाड़ के भवानी मंडी क्षेत्र के रुणझी चौराहे से करीब 20 दिन से लापता नाबालिग छात्रा, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने आईएसपी ऑफिस में बालिका की बरामदगी की गुहार लगाई है। झालावाड़ के रायपुर कस्बे के पास काली तालाब गांव में शादी से पहले युवक के साथ भागी दुल्हन, परिजनों ने पुलिस से लगाई बेटी की बरामदगी की गुहार। कार्रवाई नहीं होने पर मिनी सचिवालय पर पहुंचे परिजन। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षर गोदारा ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा पेयजल आपूर्ति और उपलब्धता में पर्याप्त प्रबंध रहे। भीलवाड़ा के आसीन में राजजीविका द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती दल ने बराना के पॉली और ऑर्गेनिक फार्म हाउस का दौरा किया। महिलाओं ने कृषि से जुड़ी विभिन्न नेचुरल फार्मिंग के संबंध में जानकारी ली। राजसमंद में भीम के मंडावर में सरपंच पति ने वार्ड पंच प्रतिनिधि पर कुर्सी से हमला कर दिया। पीड़ित ने सरपंच पति और उसके पिता पर सरपंच का काम संभालने का आरोप लगाया। सलुम्बर के कूण पुलिस थाना क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मचा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव के पास मिले आधार कार्ड से शिनाख्त हो पाई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
राजसमंद की दिवेर थाना पुलिस ने अवैध गांजा सप्लायर को गिरफ्तार किया। गांजा सप्लायर पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था। 1 साल से ज्यादा पेंडिंग प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। शाहपुरा में नगर परिषद का नवाचार, जल महल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। जल महल परिसर की साफ सफाई का काम भी शुरू हुआ है। रिनोवेशन कार्य के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार है। राजसमंद में आमेज के केमरी गांव में भीषण गर्मी से मनरेगा मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। काम करते समय 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजसमंद में वृद्ध महिला की लूट के बाद हत्या का मामला, घर के आंगन में सो रही वृद्ध महिला की हत्या की। वृद्धा के शरीर पर पहने गहने को चुराने की कोशिश की गई। वृद्धा के जाग जाने पर बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के फरेड़ी में विद्युत लाइन का तार टूटने से ट्रॉली में फैला करंट। गनीमत यह रही कि किसी के मौजूद नहीं होने पर कोई जनहानि नहीं हुई। तार के पुराने होने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सकल जन समाज के संयोजन में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समाज के लोगों ने फल और मंगल द्रव्य से दोनों दीक्षार्थियों की गोद भराई रस्म की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने डकैती की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। अन्य साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पीड़ित ने 2 मई को दर्ज कराया था मामला। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का प्रतापगढ़ में जनसुनवाई कार्यक्रम जारी। 11 दिवसीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत मीणा ने सुहागपुरा की पटेलिया और वीरपुर ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की है और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। डूंगरपुर के सीमरवाड़ा SDM ने अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। नदारद रहने वाले झोथरी BDO को जारी किया गया है नोटिस। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन और HCG कैंसर केयर सेंटर के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। JMA अध्यक्ष डॉक्टर तरुण ओझा और सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से महिला और पुरुष डॉक्टर्स के निशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए। इसमें पेपस्मियर, मैमोग्राफी, PSA, CEA आदि टेस्ट किए गए हैं। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।